ऐसा है इंडियन नेशनल लोकल पार्टी हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं, जिन्होंने पार्टी की सेवा करी उनको हमेशा महत्व दिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब कभी भी चुनाव के समय में अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव दिया है उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया। आज रोहतक में भी ये प्रस्ताव था और यहाँ पे भी ये प्रस्ताव पास हुआ। चुनाव लड़ने के और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से हमारी 5 मेंबर कमेटी के सामने अपनी बायोडाटा दिए। 6 तारीख को चुटाला साहब से मुलाकात होगी हम सब साथ और उस मुलाकात के बाद हम उनको सारी बातों से अवगत करा दें। जैसा फैसला वो लेंगे प्रेस के माध्यम से सबके सामने। हमने जो इनकी भावनाएं हैं जो सोच है वो बात चुटाला साहब को बताएंगे कि एक एक कार्यकर्ता की ये फैसला है। हमने शुरू में जब उनकी हत्या हुई थी जिस दिन उनका दाह संस्कार था उससे पहले सारे साथी वहीं पे इस बात को लेकर के ही धरने पे बैठे थे कि इसमें जो जो लोग शामिल है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। उसी दिन सेशन था, सरकार ने हमारी एक मांग तुरंत मान ली थी कि हम जांच सीबीआई से करा दें और एसपी और डीसी दोनों आए वहां में। उन दोनों ने वहां आश्वस्त किया था सब लोगों को कि हम एक हफ्ते में इसका क्लू निकाल लेंगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। मैं भी समझता हूं, आम आदमी भी समझता है कि अपराध करने वाला कई दफा कहीं जाकर के छुप करके बैठ जाता, प्रयास और कोशिश के बाद भी जल्दी नहीं पकड़ा गया, लेकिन इस अपराध के पीछे षड्यंत्र है। उस षड्यंत्रकारियों को तो पकड़े, उनसे क्या पूछताछ करिए वो बताएं, और जो षड्यंत्र के पीछे है उनको 302-120 में क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं पकड़ा उनको। हमने इसके लिए इन्हें समय दिया एक हफ्ते का, दिया तो हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई को नहीं करोगे तो पहले बहादुरगढ़ बंद करेंगे, बाकी सारे सामाजिक जो संगठन है वो मेरे से एक दिन पहले मिलकर के भी आए। मैंने उनसे कहा था अपने को थोड़ा सा और समय प्रशासन को देना चाहिए, लेकिन अब ना उम्मीद है सब लोग, इसलिए हम एक दिन बंद रखेंगे, एक दिन झज्जर बंद रखेंगे, अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो फिर कोई सख्त निर्णय लेंगे। बीजेपी ने 4.5 साल उसका जिक्र ही मत करो, कोई और बात नहीं। मैं कहता हूँ कोई और बात नहीं है, तो आपने बताया कि किसी और कमिश्नर साल का और बंद करेंगे तो अगर इसके बाद आपका भी चले आपका भी सहयोग चाहिए इस बंद के अंदर, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए क्योंकि ये कोई अकेले हमारी पार्टी के अध्यक्ष के साथ नहीं हुआ, ये घटना कल को आपके साथ भी घट सकती। अगर बदमाश किस्म के लोगों को संरक्षण मिलेगा, अगर वो खुले घूमेंगे तो किसी का भी नुकसान कर सकते। सर आपको नहीं लगता कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है? सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए अब तक उनको पकड़ा नहीं, क्योंकि जिन लोगों के नाम दिए गए थे वो भाजपा से सीधे तौर पर जुड़े थे। को भी मीडिया के सामने नहीं जाएगा, को भी मीडिया के सामने नहीं देते हैं, मैं क्या करूं इसमें, जाके उसके डीसी के इसमें गल गल पड़ जा। बहुत
जिस प्रकार से आचार संहिता के अंदर मंत्रियों के शब्द लगाए, हाईकोर्ट में भी फटकार लगाई, हाईकोर्ट में जवाब भी मांगा है सरकार से भी और मंत्रियों से भी। ये देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो कुछ चल रहा है, संविधान की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। चौधरी रणजीत सिंह जो है इंडिपेंडेंट एमएलए थे, और कोई भी इंडिपेंडेंट या किसी भी पार्टी का एमएलए किसी दूसरी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पीकर को उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह ने तो उनकी पार्टी का पट्टा पहना, स्पीकर भी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कहता है कि रणजीत सिंह ने पर्सनल आकर के मुझे इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफे की जरूरत ही नहीं है, डिस्क्वालीफाई कर। तेरा जो काम है इस संवैधानिक पोस्ट पे तू बैठा है, जो निर्णय तेरे को करना चाहिए, तो उस निर्णय से क्यों भाग रहा है? और फिर रणजीत सिंह का इस्तीफा ना मंजूर करना संवैधानिक परंपरा को खत्म करना है। दूसरा, इस्तीफा मंजूर होते तो मंत्री पद भी जाएगा, फिर क्या दोबारा मंत्री बनाएंगे? तो ये लोग तो मजाक समझ रखते हैं इन्होंने संविधान को। चौधरी रणजीत सिंह सरकार ने ब्राह्मण समाज को लेकर इंक्वायरी कितनी थी और माफी भी मांगी। चिंता ना करे, ब्राह्मण की आदत बहुत अच्छी होती है, तसल्ली बैठा देंगे। सर आपने अभी कहा कि जेजेपी की बात मत करो, जेजेपी की जो हालत है तो मैं कह रहा हूँ करी मत, उसके मैं सुनना नहीं चाहता, उसके बाद मैं सुनना नहीं चाहता। क्यों बिना की बात करते, इस बात के लिए मना कर दिया। वो लोग इनेलो में आना चाहते काम करें, पत्रकार है क्या?